और सम्मानित मंच, आप सभी को नमस्कार। आज पूरे देश में चुनाव का दौर है और वोट की अपील के लिए हम आपके बीच आए हैं। साइकिल का निशान है, आने वाली 19 तारीख है और ये जो चुनाव है ये मुझसे ज्यादा आप जानते हैं कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे स्वाभिमान की भी लड़ाई है और बदलाव का भी चुनाव है। और बदलाव सिर्फ आप ला सकते हैं, आपकी बदौलत आ सकता है, उसी के लिए आज हम आपके बीच में आए। आपसे पहले आपने यहाँ पर हमारे माननीय सांसद जी को 90% वोट देकर भेजा था और वो बने भी आपकी मेहरबानी से। शायद वो वोट मांगने भी ना आए हो, इस तरीके से आपने उन्हें वोट दिया था। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अपना वोट, अपनी कदर को समझिए, अपने वोट की कीमत को समझिए और बिना मांगे अगर हम किसी को वोट देंगे तो उसे जब मांगने के वक्त हमारे वोट की कदर नहीं है तो बाद में भी कभी नहीं होगी। और यही एहसास आज हमारे पूरे क्षेत्र में है। तो मेरा आपसे सबसे पहले यही निवेदन है कि आपका वोट बहुत कीमती है, इसमें बहुत ताकत है और ये कहीं एक जगह बंधावा नहीं है। अगर किसी पार्टी को आपने ये एहसास कराया कि आपका वोट सिर्फ उनका है तो वो आपकी कदर नहीं करेंगे। जब तक हम बदलाव नहीं करते तब तक साथ रहने वालों को भी हमारी कदर नहीं होती। बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि एक जगह रुका हुआ तो पानी भी सड़ जाता है, उसे भी बदलना पड़ता है। तो ये बदलाव का चुनाव है और इस बदलाव में जो भूमिका आप लोगों ने निभाई है और जो आप निभाने जा रहे हैं उसके लिए मैं आपका दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। आपने बिल्कुल सही कह रहे थे कि आज से पहले हमारा यहाँ शायद प्रोग्राम, मेरा पहला प्रोग्राम है इसी घेर में, तो आपने मुझे यहाँ बुलाया और इतना मान सम्मान दिया, ये मैं कभी नहीं बुला पाऊंगी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे जो पिताजी थे वो इस क्षेत्र में सांसद भी रहे और वो कभी, आज उन्हें गए हुए 15 साल हो गए हैं, लेकिन आप किसी के मुँह से नहीं सुनेंगे कि उन्होंने कभी किसी एक धर्म की या किसी एक जाति की राजनीति करी हो। वो सबके थे, सबका काम करते थे और काम जब उनके पास कोई लेके जाता था तो किसी से ये नहीं पूछते थे कि वोट दिया या नहीं, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि का जो कर्तव्य है एक बार चुनने के बाद वो सबका है, फिर चाहे किसी ने वोट दिया है या नहीं दिया है। तो यही उनके कार्यशैली थी और उनकी विचारधारा थी। वो यही कहते थे कि एक नेता का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, सभी धर्म उसके होते हैं और सभी जातियाँ उनकी होती हैं और सभी का सम्मान करना फर्ज होता है। अगर किसी एक की तरफ कोई नेता अपना झुकाव करने लगे तो उसका पतन वहीं से शुरू हो जाता है। तो मेरे पिताजी की ये विचारधारा है जिसको आपके आशीर्वाद से मैं आगे ले जाना चाहती हूँ और आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि जैसे आज मेरी जरूरत के वक्त में आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाकर मेरे सर पे हाथ रखकर जो मुझ पे ये कर्ज चढ़ाया है, परिणाम कुछ भी हो मैं इसी तरीके से ताउम्र आपकी सेवा करके इस कर्ज को उतारने का काम करूँगा।